हेलो फ्रेंड, स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे पटैटो चिप्स, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने दिखाया है। और इस पटैटो चिप्स के बनाने के तरीके से आपको अपनी नानी और दादी का याद आ जाएगा। आइए चलिए बनाते हैं। करीब मैंने 1 किलो आलू लिया है और इसे बिना छिलका उतारे अच्छी तरीके से धो के वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से कटर के ऊपर आलू का चिप्स कट कर लेंगे और इसे करीब 5 से 7 पानी आप अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, क्योंकि मैंने छिलके के साथ इसे वो किया है, काटा है। देखिए, मैंने कई पानी इसे धो लिया है। एकदम जब साफ पानी निकलने लगे, इस तरह से इसका स्टार्च भी निकल जाएगा आलू का, और आलू अच्छी तरीके से धुल भी जाएगा। और बिल्कुल जब साफ पानी हो जाए, तब हम इसे उबालने के लिए चढ़ाएंगे। ये देखिए, मैंने कई पानी धुला है, सबसे ज़्यादा गंदा पानी ये है। उसके बाद भी धीरे धीरे मैंने एकदम साफ पानी में इस तरह से धो कर के कर लिया है। जब एकदम साफ पानी से धुल जाएगा, देखिए मैंने करीब 5 से 7 बार धोने के बाद ही इसे उबालने के लिए चढ़ाया है। और ये 2 तरीके से क्रश हो सकता है, एक एकदम बारीक वाला कटर है और एक थोड़ा मोटा। आपको जो पसंद हो आप उससे वो कर लीजिएगा। मैंने बारीक वाले से भी कुछ किया है अलग से, और कुछ मोटे वाले से भी। ये देखिए, बिल्कुल साफ पानी अब दिखाई दे रहा है। अब इसे हम उबालने के लिए चढ़ा देंगे सारे आलू को इसमें डाल करके, और बिल्कुल तेज़ आंच पे हम इसे डालेंगे। हल्का से एक उबाल आते ही हम इसको बंद कर देंगे। अभी मेरा पानी गुनगुना हुआ है, इसी गुनगुने पानी में मैंने ये नमक ऐड किया है। नमक करीब 1/2 टीस्पून था, और इसी में हम ये खाने का सोडा लेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून है। बस इन 2 चीज़ों को ही डाल के मैंने इसे बनाया है। अगर आप इसे कलर देना चाहती हैं, कलरफुल बनाना चाहती हैं इस चिप्स को, तो आप इसी में 1 pinch कलर भी ऐड कर सकती हैं। मैंने सफ़ेद ही बनाया है, क्योंकि लेस बिल्कुल सफ़ेद होता है बाहर वाला चिप्स। और ये देखिए, इस तरह से झाग आने लगा, ये सोडा के डालने की वजह से हुआ है, खाने वाले सोने को। अब जब इस तरह से उबाल आने लगेगा, तब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम बंद करके इसे एक छन्नी के ऊपर छान लेंगे, और छान करके हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह का मैंने छन्ना एक बड़े से बाउल के ऊपर रखा है। इसी में हम इसके पानी को निकाल देंगे फौरन। ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबालने से हमारे चिप्स टूट जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से धूप में एक पॉलीथीन या फिर कोई कपड़ा, कोई भी चीज़ आप जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उस पर इस तरह से फैला लें। और ये सभी को मैंने धूप में फैला लिया है। देखिए, 1 किलो आलू में कितना ज़्यादा चिप्स हुआ है। इतना ही और है, मैंने इतनी को ही वीडियो में ले सके हैं हम। अब इन सभी को मैंने, देखिए बाकियों को भी इस तरह फैला लिया है, जो बचे हुए चिप्स थे। इन सभी को फैलाने के बाद जब ये सूख जाएगा, अभी तो धूप तेज़ है लेकिन इतनी तेज़ नहीं है जितनी कि मई जून में होनी चाहिए। ये सूखने के बाद देखिए चिप्स, कितना ढेरों चिप्स बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 1 से 2 दिन लगता है इसे सूखने में, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से तेल में डाल करके निकाल लेंगे। तेल को अच्छी तरीके से मैंने गर्म कर लिया है, और देखिए कितना आसान था ये चिप्स बनाना, बिल्कुल बाहर जैसा चिप्स बन के रेडी हुआ है। और इसे जितना भी खाओ दिल नहीं भरेगा, ये चिप्स का टेस्ट इतना अच्छा है, बिल्कुल हल्का और कुरकुरा तैयार हुआ है। तो आप भी ऐसे ही चिप्स बना के रेडी करें, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी चिप्स रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड, बाय।